हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान से गुजरात ले जाई जा रही शराब की खेप बरामद, ट्रक से विभिन्न अंग्रेजी शराब के 150 कार्टन बरामद, ट्रक चालक व खलासी को किया गिरफ्तार, मावल चौकी पर रिको पुलिस ने की कार्रवाई। मावल चौकी पर रिको पुलिस ने राजस्थान से गुजरात जा रहे ट्रक से अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की। वेस्ट पेपर व गत्तों की आड़ में छुपाकर ले जाए जा रहे अंग्रेजी शराब के अलग अलग ब्रांड के 150 कार्टन बरामद किए गए। ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार किया गया। एसपी धर्मेंद्र सिंह की ओर से गुजरात राज्य में की जा रही अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एसपी मिलन कुमार जोहिया, डीएसपी प्रवीण कुमार के सुपरविजन व थाना अधिकारी देवीदान के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में उप निरीक्षक चुन्नी लाल, हेड कांस्टेबल देवाराम, कांस्टेबल महेंद्र सिंह व गिरधारी सिंह को शामिल किया गया। टीम की ओर से आबू रोड पालनपुर हाईवे पर मावल पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी की गई। मुखबिर की सूचना के अनुसार आबू रोड से गुजरात की तरफ जा रहे ट्रक RJ7GA2989 को रोका गया। ट्रक की जांच करने पर वेस्ट पेपर व गत्तों की आड़ में छुपाकर ले जाई जा रही राजस्थान निर्मित अलग अलग ब्रांड के 150 कार्टन पाए गए। ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक चालक चूरू जिले के बिदासर निवासी तुलसाराम पुत्र गोमदाराम मेघावल व चूरू जिले के बिदासर के शीतला माता मंदिर के पास के निवासी सियाराम पुत्र पवन कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।